और आज के इस कार्यक्रम में जो मत्स्य संपदा योजना का नेशनल लॉन्च किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा बिहार की कई योजनाओं का भी आपने उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है, इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पूर्णिया में मरंगा में सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी का शिलान्यास 12 मई 2018 को हम लोगों ने किया था और इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया। जब हम लोग वहाँ पर गए थे शिलान्यास करने तो एक बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आखिरकार ये जो पूरा हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा तो इसकी क्षमता होगी प्रतिवर्ष 50 लाख सीमेन स्ट्रॉ कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग हेतु उसका होगा। तो बिहार में तो ये पूरा सबको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य राज्यों में भी इसकी सुविधा लोगों को मिलेगी। और ये जो काम हो रहा है इसके लिए हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया और इसके लिए कार्यक्रम चलता रहे तो उस पर कई पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता हेतु 59 पदों को स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी करीब करीब 47 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।